दिखाइए मैम, हाथ दिखाइए हाथ। पूछ गई। रील बना लो। एक लड़का है हमारे जिम में, पिक्चर में जाता है ना, भाभी होता है जाट। सर की है? हाँ तो उससे पहले ही खानी है ना। ओके करो जो की शुरुआत। या पापा एनर्जी के साथ उठ गए? मैं तो एनर्जी रहती हूँ। एनर्जी का उठ गया आप, रोटी तो उठते नहीं। अच्छा एनर्जी से उठते हो? हाँ। अब नहीं आएगी। मैं 8 बजे उठ के नाश्ता करके 9 बजे दोबारा नींद आ जाती है, तो फिर भी सुबह के 5 बजे। अब मैं वो नहीं रहा ना, आई एम चेंज नाउ। समझे यार बात? ये कैसा हो जाता? आई एम चेंज मैन नाउ। यस मैम, ये कितनी बड़ी हवा लग रही है। हाँ वॉक संडे, संडे वॉक डे नहीं होता। तो तुम करोगे यार, तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेट्स सी क्या करते हैं हम, चलो आप खाओ। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही दिनों के बाद आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। आज है करवा चौथ और मैं जस्ट होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि अभी तक मैंने काम निपटाया है घर का सारा, फ्रेशन अप हो लिए, नहा लिए, सर धुल लिया, तो अभी हम होंगे अच्छे से रेडी। तो उसकी बहुत सारी रील्स और बहुत सारे वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको ऐसे मिलते रहे। दिखा देती हूँ आपको मेरा आउटफिट। ये अभी रेंडमली पड़ा हुआ है मेरी साड़ी, इसको मैंने अभी प्रेस करी है, और ये है इसका ब्लाउज। तो जस्ट मैं रेडी करेंगे 16 सिंगार। अभी तो शक्ल बहुत ही बुरी हो रही है। हाँ, और ये देखो मेरी मेहंदी मैंने ऑलरेडी लगवा ली थी एक दिन पहले, इस हाथ की भी मैं आपको दिखाती हूँ। यस, तो अभी बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे वीडियोस आज तो बनते हैं, इतने दिनों बाद मैं तैयार हो रही हूँ तो डेफिनेटली बनेंगे। और आई थिंक लास्ट व्लॉग मेरा जयपुर का गया, अभी जयपुर का भी मेरा day 2 का व्लॉग अभी बचा हुआ है, तो वो एडिट होना बाकी है और वो जाना बाकी है। तो चल रही थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई या हो नहीं पाया, लेकिन अब रेगुलर आएगी। हाँ जी, रेडी हो गए? अब तो मिला दो, एक तो ही पहले सीख रहा हूँ। 16 सिंगार करानी है तुम्हारे? 16 टाइम लगेगा ना, जल्दी खत्म करो 16 सिंगार। दिन निकल गया और प्यास, दिन चला गया, प्यास मुक्त हो गई मुझे। क्या करा मैंने सुबह से आज तेरे काम निपटा 12 बजे, फिर मैं तैयार हूँ 3 घंटे में। पति की पति की लंबी उम्र के लिए क्या करना पड़ता है? अरे तुम कभी पत्नी या पति से पूछते हो कि वो लंबी उम्र चाहता नहीं चाहता? क्या पता, लंबी उम्र नहीं लेकिन आपकी जो मतलब लाइफ भी है उसमें भी आप स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। अच्छा उसके लिए लंबी उम्र तुम मेरे पास रखी रहना, एक दिल साल लग रहे यार। एक तो मैं पास रख रही हूँ। मैंने ये भी सुना है क्या नाम है, जब क्या नाम है पति बर्फ के टाइम पत्नी को अगर खिल जाते हैं ना, तो उसमें वेल्थ हेल्थ सब बढ़ता है। मेरे पति के लिए वो खुशी के लिए रखते तो उसकी खुशी। तो तुम मुझे ही खुश कर रहे हो ऐसे करके। मैं तुम्हें लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रहा हूं। बहुत किलचाल लग रही है सुबह से, एक तुम्हें भूखी प्यासी हूं, प्यासी भूखी, प्यास लग रही मुझे, काम करने लग रही हूं। ऐसा कहना नहीं चाहिए, कहूंगी प्यास लग रही है वो बरतने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हां पूछ रहे मम्मी, पूछ रहे ना, बरतने लगता है। भाई मर गई, मतलब पिछले 3 घंटे में तो मैं तैयार हुई हूँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पूजा करी है, फिर उसके बाद फोटो सेशन चल रहा तब से। हाँ बोलते रहे।
बोल तो रहे थे हम तो खाने में लग गए। तो क्या बन रहा है? छोले। पूरी नहीं रोटी खाएंगे। चावल बनवा लो। नो ओनली छोले छोले छोले। ओके तो हलवे के लिए बेसन का बनवा ना। बेसन का बना ना सूजी का बनता है? पूछूं बेसन का खाना कैसा हुआ? बेसन का मुझे तो बढ़िया लगा है। आपको ठंडा अच्छा लगा? ठंडा भी अच्छा लगा, मुझे गर्म भी अच्छा लगा बेसन। तो पूछ लो मम्मी से, एक मिनट को पूछता हूँ। हेलो हेलो हाँ मैं नमस्ते, मैंने कह रहा था क्या नाम है, हलवा सूजी का मतलब सूजी का बनेगा या बेसन का बन जाएगा? अच्छा कुछ बना लें तो उनके पास तो वो है सोर्स है पूछने का। ओके तो चलो चांद निकल गया। क्यों मेरे चांद? एक चांदी है रहा मेरे से ज़्यादा भूख सुबह लग रही है। तुम्हारा तो पास भी नहीं है। मैंने तो शुरू भी नहीं करा अभी तक, तुमने ख़त्म भी कर दिया। एक अच्छी चीज़ दिखाओ। देखो एक चांद वो रहा जो यहीं से दिख रहा है, दिख रहा है सामने नीचे देखो चांद दिख रहा है यहीं से, और एक चांद ये रहा।